नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको 10 लाख की एक परफेक्ट कार का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। 10 लाख के बजट में सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि एक परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए जिसमें कि पावर पिकअप की कोई भी कमी ना हो, माइलेज अच्छी चाहिए, बड़ी सी थोड़ी सी इंजन चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए और सबसे बढ़िया बात कि आपको सेफ्टी अच्छी चाहिए, यानी कि कम से कम 5 स्टार की सेफ्टी वाली कार चाहिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते पहले हैं। आज की वीडियो में मैं इंटीरियर से ही शुरू करता हूं और इंटीरियर देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी कार है। मॉडल मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले की देखें तो की आपको इस तरह से मिलती है और ये टाटा की नेक्सॉन है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी के बटन्स मिल जाते हैं। एक आपको फ्लिप की मिलती है, एक आपको नॉर्मल की मिलती है, इस ढंग से जिसमें सिर्फ आपको टाटा का लोगो जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी ये कार जो है ये टाटा नेक्सॉन XM मॉडल है और ये काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप रामगढ़ से हैं, रामगढ़ झारखंड से, तो 10 लाख 10 हजार के आसपास में ये ऑन रोड आपको ये मिल मुझे जाती लगता है है कि काफी बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी कार है। चलिए देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड देखो तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। आपको डैशबोर्ड जो है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगी, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे थोड़ी सी कलर जो है वो आपको ग्रे टाइप से मिलने वाली है, बाकी नीचे भी आपको ब्लैक मिलती है, तो ये डुअल टोन पूरी आती है। आप हैंडल भी देख रहे थे, यहाँ पर भी आपको ग्रे फिनिश मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। तो ये इस तरह से कुछ डैशबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन मिल जाते हैं और ये आपको मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड फिजिकल बटन। बाकी यहाँ पे एसी के कंट्रोल जो है वो भी आपको मैनुअल मिल जाते हैं और यहाँ पर कोई भी बटन वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट और USB के पोर्ट जो है वो आपको देखने को मजे की मिल जाते बात हैं। यह है कि आपको छोटी सी चंके सी गियर नॉब मिलती है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाली, और यहाँ पे आपको मल्टी ड्राइव मोड भी मिल जाता है। सिटी, इको और स्पोर्ट, 3 मोड जो है वो आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे कप होल्डर और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं। ये एक सेंट्रल कंसोल है जो कि काफी बढ़िया, हैंड ब्रेक वगैरह देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि नेक्सॉन की सीटिंग कंफर्ट जो है वो आपको, मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कुछ इसकी सीटिंग कंफर्ट है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। बाकी मैं वैनिटी मिरर दिखा देता हूँ। यहाँ पे को ड्राइवर साइड मिल जाती है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिलता है। इस तरह से आप इसे आसानी से रख सकते हैं और पूरी सनग्लास जो है वो आपको अंदर चल जाती है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक है और यहाँ पे आपको एक केबिन लैंप जो है वो LED वाली दे रखी है इन्होंने। बाकी IRVM से थोड़ी सी मुझे लगती है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, एकदम से नॉर्मल IRVM जो है वो आपको मिलती है। बाकी ड्राइवर साइड जो है कोई भी वैनिटी मिरर आपको देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं स्टेयरिंग में। स्टेयरिंग में इस मॉडल में पार्टिकुलर आपको कोई भी यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं सिवाय हॉर्न के, सिर्फ हॉर्न आपको मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते हो इस ढंग से। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलता है, तो काफी बढ़िया है। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी यहाँ पे आप देखिए कि वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स और इधर लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर से आप ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, और इलेक्ट्रिकली फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं, तो ये काफी बेहतरीन चीज मुझे लगती है। डोर की बात कर ले, ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ कॉइन होल्डर, बोतल होल्डर, यहाँ पे मैगजीन होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप बात करें तो यहाँ पे ट्यूटर नहीं मिलती है, स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इस ढंग से कुछ चीजें हैं। बाकी यहाँ पे आप क्लच ब्रेक एक्सीलेटर के बीच में देखें तो ठीक ठाक स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से कुछ आपको डैशबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको सीटिंग एडजस्टमेंट दिखाता हूँ कि ड्राइवर साइड की सीट को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और कितनी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको 2 way एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्ट आप इस सीट को नहीं कर, लेकिन आपकी सीटिंग पोजीशन इतनी अच्छी है कि आप आसानी से यहाँ पर से बोनेट जो है वो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं आसानी से बोनेट जो है वो दिख जाती है, तो आपको हाइट
सीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही एक नेक्सोन की खासियत है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप सीट को, इस मॉडल को भी आप खरीदते हैं तो आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए रियर की सीट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि कितनी जगह और क्या बेनिफिट और किस तरह से सीटिंग कंफर्ट जो है इस मॉडल में पार्टी कूलर आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखिए तो एक चीज मैं भूल रहा था, यहाँ पे ट्यूनिंग वाली म्यूजिक सिस्टम मिलती है जो कि इस तरह से है। FM वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सभी चीज आप कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे रियर की डोर में देखें तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल बोतल होल्डर जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, स्पीकर भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी ट्यूटर आपको नहीं मिलता है, डोर ओपनर आपको ब्लैक में ही देखने को मिलता है। बाकी सीटिंग कुशनिंग जो है वो काफी अच्छी है, यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट जो है वो आपको मिलते हैं और सीट को आप 100% फोल्ड जो है वो आप कर सकते हो। 60-40 की रेशियो में ये फोल्ड नहीं होती है। आप यहाँ पे अगर बैठते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है नीरूम से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और यहाँ पे थाई सपोर्ट भी पूरी आपको मिलती है। स्पेस आप देख ले काफी अच्छी है, बाकी हेडरूम से भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी आपको एसी वेंट्स वगैरह जो है वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है इस मॉडल के पार्टिकुलर हम बात करें तो। बाकी यहाँ पे आप देख ले कोठुक वगैरह आपको मिल जाती है रियर में, और यहाँ पे मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि 3 एडल्ट जो है आसानी से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लोग तो ऑल्टो में भी 3 बैठते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी और भी अच्छी और आराम से आप लोग 3 आदमी यहाँ पर जो है वो बैठ सकते हैं। कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलती है रियर में। बाकी रियर से फ्रंट की लुक जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी मुझे लगती है, और मुझे लगती है कि 10 लाख में, अभी के डेट में 10 लाख में काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट जो है वो मुझे लगती है, क्योंकि गाड़ियों के दाम जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, हर ब्रांड की प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन 10 लाख के प्राइस में ये कार जो है मुझे काफी अच्छी और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो लग रही है। यहाँ पर भी एक कोठुक आपको देखने को मिल जाता है और इधर भी कोठुक मिलता है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको 4 कोठुक जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब बूट मैं चेक करवा देता हूँ कि बूट कितनी बड़ी है, उसके बाद एक्सटीरियर जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सटीरियर में कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बूट की बात करें तो बूट जो है वो आपको काफी बड़ी मिलती है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे टायर मोबिलिटी किट जो है वो आपको टाटा दे रही है, तो इस तरह से कुछ स्पेस आपको मिलता है। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी स्पेस है, लगभग 400 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बूट लैम्प जो कि काफी बढ़िया है नाइट के लिए खास करके। अब यहाँ पे रियर की लुक की सबसे पहले बात करें तो टेल लैंप वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हैं तो लगभग इसी तरह की टेल लैंप वगैरह देखने को मिलती है, और इस कार की लुक जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है आपको। ऊपर देखे तो नॉर्मल एंटीना आपको मिलती है, यहाँ पे किसी भी तरह की डिफोगर रियर वाइपर वगैरह जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। बीच में टाटा का लोगो नेक्सोन का बेजिंग जो है वो नीचे किया गया है। यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको 2 मिलते हैं, इधर एक उधर। इसमें कटौती टाटा हर जगह कर रही है, पहले 4 दिया करती थी अब 2 दिया करती है। यहाँ पे आप देखें तो रिफ्लेक्टर जो है वो आपको रियर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हाई स्टॉक लैंप जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। रूफ रेल जो है वो आपको इनबिल्ड मिलती है जो कि काफी लुक को इनहेंस जो है वो करती है, तो इस ढंग से कुछ लुक है। यहाँ पे डोर हैंडल वगैरह आप देखें तो 4 डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलते हैं। बाकी मैं आपको टायर साइज जो है वो एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप टायर साइज की बात करें तो 1/95/60 R16 की टायर जो है वो आपको देखने को मिलती है। व्हील कैप जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी गुड एयर की टायर जो है वो आपको देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और यहाँ पे बॉडी साइड ग्लाइडिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी चलिए अब फ्रंट की लुक देखते हैं, फ्रंट का लुक किस तरह से मिलता है। ORBM की बात करें तो आपको ब्लैक ORBM मिलती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ऑटो फोल्डेबल ORBM जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप कार को लॉक अनलॉक करते हो तो होल्ड जो है वो आपको मिल जाती है ORBM इस ढंग से। बाकी फ्रंट की लुक देखें पूरी,
प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और DRL भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, किसी भी तरह के फॉग लैंप वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते, इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी पूरी इस कार की। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपकी बजट 10 लाख है तो मुझे लगता है कि ये कार जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकती है और है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।